प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य योजना सेहत का किया उद्घाटन, कहा देश का कोई भी राज्य विकास से वंचित नहीं रहेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अमर शहीद उधम सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया है कि उधम सिंह के बलिदान को पूरा देश याद रखेगा। किसान संयुक्त मोर्चा की आज दिल्ली में होगी बैठक, केंद्र सरकार की चिट्ठी और पीएम की अपील पर किसान करेंगे विचार। योग गुरु स्वामी रामदेव ने केंद्र सरकार से की अपील, कहा आंदोलनकारी किसानों के साथ नरमी से पेश आए सरकार। बीपीएससी की परीक्षा के लिए मध्य रेलवे की ओर से 26 दिसंबर से 4 जोड़ी इंटरसिटी और 3 जोड़ी मेमू ट्रेनें बिहार के प्रमुख शहरों के बीच चलाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर के शोपिया के कैगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, 2 जवान जख्मी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में फिर आई कमी, अब तक 97.39 लाख लोग हुए ठीक। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन 8 यूरोपीय देशों में पाया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा, कहा नया स्ट्रेन बुजुर्गों की जगह पर तेजी से युवाओं में फैल रहा है। कोरोना से पूरी दुनिया में अब तक 17 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान, कहा पाकिस्तान के तालिबान की मौजूदगी से काबुल में शांति और स्थिरता को खतरा है। और अंत